गुर्जर का नाम जब आप सबसे पहले सुनते हो, गुर्जर कम्युनिटी, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आती है, क्या सोचते हो? दोस्त आता है मेरा, इंसान, पैसा, दे गुड बिजनेसमैन, फिजिक, मनी माइंडेड, रियली मनी माइंडेड, हेल्थ, इंसान ही होते हैं, गाड़ियाँ, देसी बना, गुजिया, माय हस्बैंड इज अ गुजर, आई लाइक हिम, आई लव हिम, दे स्मार्ट, दे इंटेलिजेंट, दोस्त है मेरा गुजर, बहुत बढ़िया, ऐसे मुझे लगता, वैसे उससे पहले मेरे गुजरों के बारे में राय थोड़ी अलग सी थी, ऐसे थोड़ा गुंडे से होते हैं, माचो मैन वाली इमेज थी, बट ऐसे मेरा दोस्त बना शाहीन चौधरी, ऐसे मेरे दिल्ली आने के बाद, वो ऐसे गुजर है, उससे बड़ा, उससे बढ़िया लड़का ऐसे मैंने अभी तक नहीं देखा, तो हाँ उसके बाद गुजर जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बढ़िया इमेज ही आती है। गुजर एक मेरी नजरिए में यार एक ठीक है, उनका सबका अलग ही रोताव होता है, बुजुर्ग होते हैं उनके घर में और फैमिली है, बैकग्राउंड एक ऐसा होता है धाकड़ वाला, एकदम बातचीत वाला। कि किसी बंदे को आपको पहचानना है कि वो गुजर है या नहीं है, तो किस चीज से आप पहचानोगे? अरे इज्जा इता जा, अरे आजा, अरे बदमाशी ना दिखाई है मैंने, बाय हिज कार और बाय हिज बॉडी, एक तो उसकी बोली बता देती है कि गुजर है, उसकी चाल बता देगी वो, अलग ही गुजर आ रहा सामने, चौड़ होती है गुजर, गुजरों के अंदर, कि उनके अंदर अलग ही रुतबा, अलग ही मोड में रहते हैं वो लोग, दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर, ऐसा नहीं है कि गुजर ही रहते हैं, सभी रहते हैं, ठीक है ना, वो इंसान के ऊपर है उसका दिल कैसा है, और आउटस्पोकन जो उनके जो होता है दिल में वो बोलते हैं, स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं, बट बोली बोली तो होती है, एंड हाँ थोड़ा सा होता है उनका वाइट शर्ट जींस एंड ऑल दैट स्टफ, थोड़ा लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, ऑल्दो उनकी खड़ी बोली होती है, एंड आई रियली लाइक दैट, शी लाइक्स गुजर, ऐसे गुजर आपको हजारों मिल जाएंगे तो दिल के साफ होंगे, आप कल बैठेंगे खाना खाएंगे, कुछ गुजर आपको ऐसे मिल जाएंगे कौन है मैं नहीं जानते, उनके लिए एक दिमाग में एक थोड़ा होता है कि गर्लफ्रेंड्स को ऐसे नो, हाउसवाइफ्स को ऐसे रखना है, गर्लफ्रेंड्स को ऐसे रखना है। एक तो वो बिल्कुल ही संस्कृति वाले माहौल में पले होते हैं, जहाँ पे बापू की लाठी और माँ की रोटी और बहन का सर दबाना जो भी होता है वो, तो उस माहौल में वो है ना ऐसे क्रिएशन में पैदा होते हैं कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर गुजर एंड आई रियली डोंट थिंक कि जैसे पर्सपेक्टिव लोग बनाते हैं वो ऐसा है, दे आर रियली नाइस, मतलब मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि हाँ अलग होते हैं कोई इंसान, सब ऐसे बढ़िया दोस्त और इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, मैंने ये भी सुना था बड़े बदतमीज़ होते हैं, वो बदतमीज़ भी नहीं होते भाई, बढ़िया बढ़िया लड़के होते हैं सारे जी। कम्युनिटी से नहीं डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है, गुजर कहने को बहुत सारे गुजर ऐसे हैं जो बहुत हेल्प कर देंगे, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ऐसे हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो अच्छी नहीं है, दे ट्रीट वुमेन वेरी वेल। मुझे तो ये लगता है कि बेशक चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो या कुछ ऐसे होते हैं गांव के होते हैं जो दिल्ली वगैरह में नहीं आ पाते पढ़ने के लिए, बट उनमें एक चीज़ होती है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने मॉम या सिस्टर वगैरह होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनको पुश करते हैं कि जाओ आप करो जो आपका मन है। गुजरों में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या और सबसे कम चीज़ क्या? गुजरों के पास सबसे ज़्यादा चीज़ होती है भाई, जितना मैं गुजरों को जानता हूँ, पैसा और दिल बड़ा होता है, ठीक है, और कमी थोड़ी सी कह सकते हो ऐसे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा होता है तो इतनी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो एजुकेशन की थोड़ी सी कमी रह जाती है ना। मेरा इंटरेक्शन रहा, आई थिंक दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, हार्ड कोर ऑन आउटसाइड एंड सॉफ्ट कोर ऑन इनसाइड। जाट और गुजर एक जैसे से होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है इन दोनों में? सिमिलैरिटीज़ बहुत मिलती है, मतलब सबसे पहले तो उनकी भाषा, मतलब हम बात करते हैं ना सोच नहीं पाते कि यार ये जाट होगा या गुजर होगा, होगा क्या? तो गुजर का सबसे ऐसा होता है, अरे काकर का मानोगे, और जाट का कुछ ऐसा होगा, रे इथा जरे ना, मैं ना चलानी बहसूस।